कृष्ण उड्डा को इस हल्के से बाहर निकालने की बात कर रहे थे बारी बता रहे थे आज वही लोग कृष्ण उड्डा का फोटू ऊपर लगा करके भालू का काटा काटने की बात कर रहे हैं ये लोग आपस में ऐसे ही काटा काटते रहेंगे ओ डॉ कपूर नरवाड़ हमारे आदरणीय हैं तो परंतु है। राजनीति में भावनात्मक चीजें जोड़ रहे हैं ये कह रहे हैं या वोट दे देना या लाकड़ी दे देना अरुण भाई लाकड़ी तो एक सामाजिक ताना बाना है जो वोट नहीं देगा वो भी लाकड़ी देने आएगा करेंगे ये दीपक मलिक की लड़ाई नहीं अरे पूरे हरियाणा और बड़ोदा के युवा और छात्रों की लड़ाई है हमारा संघर्ष आज इस मुकाम तक पहुंचा है हम छात्र राजनीति एक होस्टल में रहने वाले बच्चे को बड़ोदा हल्का से नायक जनता पार्टी ने टिकट दी है दस साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा इस प्रदेश का वो उस मुख्यमंत्री को एक बात कह के वोट मांगने पड़ रहे हैं अगना मेरा गढ़ है मैं थारा लोहे का हूँ इसलिए मत तो वोट उसको तो ये बताना चाहिए मैंने यहाँ विकास करा यहाँ गली खाली नाले बनाए यहाँ स्कूल खोले यहाँ कॉलेज खोले यहाँ शिक्षा की बात ये दुर्भाग्य है बरोता की जनता का जो जिसको अपना मानते थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुआ दस साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बड़ोदा की तरफ आंख उठा के नहीं देखी मैं तो कहीं ना कहीं वंचित रखा गया और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है दूसरा मुद्दा जो लोकल रोजगार का यहाँ अगर छोटी छोटी इंडस्ट्री आ जाए तो गाँव में जो युवा दर दर की ठोकरे खा रहे हैं भटक रहे हैं उन युवाओं को रोजगार मिले गली गली कंपनियां दिखा दूंगा चौक चौराहे पे बैठकों में कंपनियां दिखा दूंगा आपके बच्चों को ये ढूंढती भरेंगी कोई कितना पढ़ रहा है जो सुपरवाइजर लाना है जो फलाना लाना है बालक नहीं पाओगे नौकरी नौकरी फालतू हो जाएंगी बालक कम बड़ौदा हल्का से जननायक जनता पार्टी और एएसपी पार्टी गठ के गठबंधन के उम्मीदवार दीपक मलिक हमारे साथ है दीपक नुगो है प्रचार प्रसार सब ने कर लिया कितना का अपना कितना पहुंच लिया सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुण भाई सब अपने अपने डफली अपना अपना राग सब अड़ाप रहे हैं हम युवा साथी हैं हमने पूरा हल्का डोर टू डोर कर दिया मेरे तीन गाँव रहते हैं कल मैं पूरे हल्के को डोर टू डोर खत्म कर चुका हूंगा एक भी प्रत्याशी ने डोर टू डोर हल्का नहीं किया है क्या बात इतना किता गया जो मैं हमारे अंदर हम मैं छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुँचा हूँ छात्र राजनीति के माध्यम से हम पूरा पूरा दिन छात्रों के बीच रहे हैं आज हम हल्के के बीच रहे हैं आज हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए हैं तो मैं रोज के बीस किलोमीटर हमारी पूरी टीम रोज के बीस किलोमीटर पैदल निकाल रही है भाई बर क्या क्या उम्मीदवारों में सबसे छोटी उम्र का दीपक है और दीपक प्रचार प्रसार की सारा है लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है के के बात आप कह कह रहे हो और के लोग सबसे सबसे छोटी उम्र का नहीं अरुण भाई सबसे कम उम्र का और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं पीएचडी मैथमेटिक्स से कर चुका हूं और जो नेट जे का पेपर होता है वो ऑल इंडिया बेहतर रैंक है मेरी क्या बात है पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी हूँ क्या बात हैं, है और और रही बात प्रचार प्रसार की गांव गांव जा रहे हैं समस्याएं पूछ रहे हैं युवाओं का हुजुम हमारे साथ जुड़ रहा है हम जो बड़ौदा हल्के के जो आज के राजनीतिक सनरियो है कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे वोट मांग रहा है कोई इंदुराज भालू को यहाँ से बाहर निकालने के नाम पर वोट मांग रहा है मुझे तो आश्चर्यपस्त लगती है ये चीजें जो लोग पिछले दो चुनाव में कृष्ण हुडा को इस हल्के से बाहर निकालने की बात कर रहे थे बारी बता रहे थे आज वही लोग कृष्ण उड्डा का फोटो ऊपर लगा करके भालू का काटा काटने की बात कर रहे हैं ये लोग आपस में ऐसे ही काटा काटते रहेंगे हम युवा हैं हमने एक बात सोचनी है कि हमारे हक की बात कौन करेगा हमारे हित की बात कौन करेगा जो जितने भी प्रत्याशी हैं एक भी प्रत्याशी भाई विकास की बात करी कोई कोई ये कहता है भावना देखो डॉक्टर कपूर नरवाड़ हमारे आदरणीय है परंतु राजनीति में भावनात्मक चीजें जोड़ रहे हैं ये कह रहे हैं या वोट दे देना या लाकड़ी दे देना अरुण भाई लाकड़ी तो एक सामाजिक ताना बाना है जो वोट नहीं देगा वो भी लाकड़ी देने आएगा जब एक ये जो लाकड़ी वर्ड है एक सामाजिक ताने बाने का वर्ड है आज एक तरफ ये कह के वोट मांगी जा रही है कि कपूर नरवाल तो पेंडा छठवा लो थोड़े दिन पहले ये के वोट मांगी जा रही थी और कृष्णा छठ वाल कैसी राजनीति है राजनीति मुद्दों की बात करो विकास की बात करो शिक्षा की बात करो युवा की बात करो अब गांव गांव में क्या समस्याएं हैं उसकी बात करो हम गाँव गाँव गली गली हर घर में दस्तक दे रहे हैं एक घर भी नहीं छोड़ रहे हर घर में दस्तक दे रहे हैं और बरौदा के हक की बात करेंगे बरौद्धा के विकास की बात करेंगे बरौदा के विजन की बात करेंगे ये दीपक मलिक की लड़ाई नहीं अरे पूरे हरियाणा और बड़ौदा के युवा और छात्रों की लड़ाई है हमारा संघर्ष आज इस मुकाम तक पहुंचा है हम छात्र राजनीति एक होस्टल में रहने वाले बच्चे को बड़ौदा हल्का से जनायक जनता पार्टी ने टिकट दी है आजाद समाज पार्टी ने टिकट दी है दोनों युवा प्रोग्रेसिव लीडर भाई दुष्यंत चौटाला जी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी भाई चंद्रशेखर आजाद लगातार दलित समाज की आवाज सड़क पर उठाए और वो संसद तक पहुंचे इस संघर्ष के माध्यम से से हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं किसान कमेर और दलित की आवाज को सड़क उठाया है और भगवान दिन देगा विधानसभा भी पहुंचेंगे और संसद भी पहुंचेंगे और मजबूती से ताऊ देवीलाल चौधरी देवीलाल और मानव काशीराम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों का ये विरोधा और ये हरियाणा और ये देश बनाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे भाई दीपक मलिक जिंदाबाद दीपक मलिक जिंदाबाद भूपेंद्र सिंह हुड्डाएं थे नु कथे मुकाबला बस बीजेपी और कांग्रेस का है और तो खाम खाई है यह बात कहेंगे अरुण भाई आप और मैं एक एक पढ़े लिखे समाज के वो हैं और जो समाज है बड़ा पारदर्शी समाज है सब बात जानता है उन्होंने सिर्फ बात बात की की क्या क्या उन्होंने उन्होंने कोई विकास कही की? कहा कि मैं 10 साल जब सरकार में रहा मैंने इस बड़ौदा गांव में कथूरा गांव में कैलपा गांव में रबड़ा गांव में माजरा गांव में पुठी गाँव में रूखी गांव में मोई गाँव में रेवाड़ा गांव में आउड़ी गाँव में ये काम करवाया दस साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा इस प्रदेश का वो उस मुख्यमंत्री को एक बात कह के वोट मांगने पड़ रहे हैं अखना मेरा गढ़ है मैं थारे लोहे का हूं इसलिए मरते वोट दे दो उसको तो यह बताना चाहिए मैंने यहां विकास करा यहाँ गली खाली नाले बनाए यहाँ स्कूल खोले यहाँ कॉलेज खोले यहाँ शिक्षा की बात करी दुर्भाग्य है बरोदा की जनता का जो जिसको अपना मानते थे चौधरी भूपेंद्र सिंह उड्डा दस साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बरोदा की तरफ आंख उठा के नहीं देखी मैं तो बड़ौदा हल्का वासियों से पूछना चाहूंगा भूपेंद्र उड्डा बरोदा गवाना और सोनीपत को दूसरी आंख कहते थे परंतु एक आंख दस साल के शासन में बंद रही है एक आंख आज यह क्या वोट मांगनी पड़ रही है कि दोनों पार्टी ये दोनों पार्टियों की साठगाठ है यह चाहते ही इसलिए हैं कि एक बार वो एक बार वो किसानों को मेरे की आवाज उठाने वाला कोई ना रहे तो आपको लगता नहीं कि ना बीजेपी ने दस साल में कुछ किया और ना थी, कहीं ने के रोजगार के नाम पर कहीं ना कहीं वंचित रखा गया और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है दूसरा मुद्दा जो लोकल रोजगार का यहाँ अगर छोटे छोटी इंडस्ट्री आ जाए तो गांव में जो युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं भटक रहे हैं उन युवाओं को रोजगार मिले भाई दुष्यंत चौटाला ने मैं ईमानदारी से पूछना चाहूंगा अरुण भाई दुष्यंत तो चौटाला ने एक वादा किया था पचहत्तर परसेंट रोजगार का वादा कि जिस जो चीजें यहाँ जो फैक्ट्री लगा रहा है वो पानी मारी जमीन मारा सुविधाएं मारी हवा मारी खराब करें और जो हमारा प्रदूषण मारा करें और वो नौकरी वहां बाहर के लग रहे हैं दुष्यंत तो चौटाला जी ने इसी सोच पर पचहत्तर परसेंट लोकल जो प्राइवेट सेक्टर में लोकल युवाओं को आरक्षण की बात कही और कहीं ना कहीं विधानसभा में पारित किया अमली जमा पहनाया मगर जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो नहीं चाहते हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले उन लोगों ने कोर्ट में केस करके उसको सटे करवा दिया मगर जिस दिन वो लागू होगा जैसे आज चौधरी देवलाल को याद किया जाता है बुढ़ापा पेंशन के लिए याद किया जाएगा भाई दुष्यंत चौटाला को कि हरियाणा का एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा वो अपनी काबिलियत के हिसाब से जिस जिसकी जितनी काबिलियत है प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिलेगा पचहत्तर चौक चौराहे पे बैठकों में कंपनियां दिखा दूंगा आपके बच्चों को ये ढूंढती फिरेंगी कोई कितना पढ़ रहा है ये सुपरवाइजर लाना है जो फलाना लाना है बालक नहीं पाओगे नौकरी नौकरी फालतू हो जाएंगी बालक कम तो आज आजा में किस बात की लड़ाई है बड़ोदा में लड़ाई है ये जो बड़ौदा ने सब कुछ देख लिया ये पुराने लोग घिसे पिटे लोग ये देख लिए बरौदा चाहता है शिक्षित युवा उन विधानसभा में आवाज उठाए बड़ौदा में लड़ाई है किसानों की लड़ाई है कमेरे की लड़ाई है बड़ौदा में शिक्षा की रोजगार की लड़ाई है बड़ौदा नहीं चाहता जो ये ढकोसले की राजनीति कर रहे हैं एक बार उसका कांडा काटने के लिए एक बार उसका कांडा काटने के लिए ये कांडा काटने की राजनीति से उग चुका है बड़ौदा बड़ौदा विकास की शिक्षा की रोजगार की युवा की छात्र की बात सुन रहा है और सुनना चाहता है

एक नंबर जी भाई अरुण भाई आपका और आपके के नाइन मीडिया का मैं धन्यवाद टीम का धन्यवाद करता हूँ आज जो हम बड़ौदा हल्के में देख रहे हैं अरे गांव में जाकर हर घर में जाकर एस सी के लिए जो कल्याणकारी नीति दुष्यंत भाई साहब ने लागू करी और चौधरी देवीलाल ने लागू करिए उनका प्रचार हम कर रहे हैं उन उनके प्रचार के बाद जो एस है उसका जो कहा सारा दीपक की तरफ हो रहा है और युवाओं का जो वो जो हम देख रहे हैं उनको लगन देख रहे हो सारा दीपक की तरफ हो रहा है इससे मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये तो जो बड़े नेता हैं उनकी तो रड़क, रड़क जाएगी और दीपक भाई कंड जाएगा हम भाई साहब हम तो बोलना नहीं बाकी दुसंत चौटाला जिंदाबाद भाई दीपक जिंदाबाद आने वाले दिनों में हमारा सारा काम हो जाएगा ठीक है है जी। युवा छोरे दे टिकट दे दी अरे भी मुछाड़े भी गेल हैं। आ, है हम तो जी अच्छा सारी से जो गे। है अब तो पूरा सारा जगह खींच के जितना होगा अच्छा आज पेंशन के नाम पे सारे बात करने लाग रहे हैं आपने भी यह चीज देखा होगा देवीलाल का दौर देखा होगा मैं तो चौधरी देवीलाल की पेंशन लेता हूं नौकरी की सरकारी लगा दा मैं इक्कीस 77 सतहत्तर क्वेश्चन लागू करी दी तो उसकी तरसरिया ले रहा हूं जी और छोरा पर कितने भी नहीं, की जो रड़क और फड़क की राजनीति है इससे दूर उठकर आपके बच्चों की जो एजुकेशन की लड़ाई लड़ो और जो राजनीति में आपके युवाओं की भागीदारी है वो तय होगी ये जो रड़क की और फड़क की भागीदारी बड़ोदा हल्का उब चुका है अब बरोधाल का अपने बेटों का साथ देगा जो बेटे उनके हितों के लिए लड़े हैं मैं बरोधा का आवासी से अनुरोध करूंगा कि मैं एक युवा हूं मैं एक छात्र नेता हूं पढ़ा लिखा हूं आपके हित की आवाज उठाऊंगा और दुष्यंत चौटाला जी के साथ साथ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो दलित समाज की लड़ाई सड़क से संसद लड़ी है मैं दलित समाज से भी अनुरो अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जब मजबूत होंगे जब उनकी विचारधारा के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको आप मजबूती से साथ दोगे और वोट के नाम पर जो चोट है वो सरकार पर मारने का काम करेंगे